आज इस ब्लॉग जी है सोचिए वो जाने वाले थे मुंबई, मतलब कि मुंबई जाने वाले थे सेलिब्रिटी से मिले, पर आज राजेश ब्लॉग जी का ये मुंबई का ट्रिप जाना कैंसिल हो गया। खिड़की खोल के झांकते हैं और हम देखे ना ऊपर में बच्चा हुआ है, खिड़की खोल के झांक रहा था वाले बाहर निकल के, माना कि नीचे छोटा गाड़ी से बचा हुआ है, लेकिन बाहर में तो पोल है ऊल है बहुत कुछ है ना पेड़ पौधा, उससे भी कहीं बच्चों को चोट लग सकता है, तो इसलिए इस बात का पूरा से ज्यादा ध्यान दे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों जैसा कि आप अगला ब्लॉग में देखे हम लोग अपना पोर्ट में आए हुए थे, और तो दोस्तों अभी हो रहा मॉर्निंग का वक्त, तो देखिए तो अभी हम लोग सुबह का नाश्ता आ गया है एकदम, ये देखिए बड़ा आलू चॉप पूरी इडली ब्रह्म पुड़िया नाश्ता उपमा एक नंबर ब्रह्म पुड़िया प्लेट नाश्ता, और ये हो गया चटनी देखिए स्पेशल चटनी एकदम जो खाए दिल खुश हो जाए ऐसा एकदम नाश्ता उस्ता होगा अभी मेरा। तो चलिए फटाफट एकदम नाश्ता उस्ता करते हैं। और दोस्तों तो कल रात का हम लोग 3 बजे से पूरे एकदम खुखवा रहे हैं, मतलब रात के गाड़ी लोड खाली रोड, फिर जा करके हम लोग 3 बजे सोए और फिर सुबह 6 बजे उठे, और अभी हम लोग जा रहे हैं कोयला लोडिंग करने। तो हम लोग ट्रांसपोर्टर अंकल से जो कागज़ पत्र चाहिए था सब मिल गया हम लोग को, तब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से भी अपना कोयला लोडिंग के लिए। तो ठीक है तो चलिए जाते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे का अपडेट देते हैं। तो फटाफट से पहले हम तो अपना प्यारा नाश्ता कर लेते, देखिए नाश्ता करते उसके बाद फिर बात करते हैं। चलिए तो दोस्तों तो देखिए तो हम लोग अपना गाड़ी वाड़ी लोड कर लिए, देखिए सामने वाला गाड़ी कोयला लोड हो गया, हम लोग का भी अपना गाड़ी है उसको कोयला वाला लोड हो गया। तो चलिए आज हम आपको एक नया चीज़ दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाज किस तरीके से मतलब कि जा रहा है, देखिए शिप में हम तो हमेशा आपको खड़े ही जहाज दिखाते हैं, देखिए आज दिखाते हैं आपको, देखिए देखिए वहाँ सामने देखिए जहाज किस तरीके से, एक यहाँ है और भी है जहाज, उधर वाला थोड़ा दिख रही नहीं, उधर वाला थोड़ा जूम करना होगा, इधर उधर जहाज देखिए, इधर वाला जहाज देखिए कितना मस्त जहाज जा रहा है, कैमरा अच्छा नहीं है, फटाफट सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम आप लोगों को और अच्छे अच्छे से दिखाएं। फाइनली अभी तो देखिए तभी हो रहा है रात का वक्त, और देखिए तो हम अपना कोयला वोला लूट करके अपना निकल गया है। और दोस्तों तो हम लोग अपना रात का वक्त इसलिए निकले हैं क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अपना रातारात ही भुवनेश्वर पार हो जाए, और रात में क्या है कि देखिए सिर्फ ट्रक वर्क सिर्फ चलता है, देखिए वहाँ सामने देख सकते खाली ट्रक वर्क जा रहा है कुछ नहीं, छोटा गाड़ी का एकदम नामो निशान नहीं है। तो ठीक है मतलब है इक्का दुक्का कार रूट जाता है वहाँ आगे आंध्र प्रदेश बॉर्डर से आता है वो जाता है यहाँ पर उड़ीसा इन करके जाता है। तो ठीक है चलिए तो दोस्तों तो अभी क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं रातारात ही भुवनेश्वर पार हो जाए, तो दिन में जाम हम लोग को मिलेगा नहीं क्योंकि भुवनेश्वर में गर्मी हो या सर्दी हो वहाँ का आप तो जाम समझ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं बड़ा गाड़ी है फटाफट अपना जाम उम यहाँ सब क्लियर कर लेते हैं तो ठीक होगा। और दोस्तों तो कोयला वोला लूट कर लिया, ज़्यादा कोयला का अंदर का इसलिए नहीं शूट कर पाए क्योंकि मतलब वहाँ पर मतलब हम लोग इतना ही बिजी हो जाते हैं, खिचड़ी विचड़ी बनाए तो हम खाए भी नहीं, भूखे सुबह से सिर्फ वही सिर्फ नाश्ता जो किए वही सब करके। तो चलिए ठीक है तो अभी रात का वक्त हो रहा है आराम से अब अपना बढ़ेंगे भुवनेश्वर से पार करेंगे, कटक कुटक पार करके सोच रहे सो जाएंगे, और फिर सुबह ये धूप भी हो जाता है टायर भी गर्म हो जाता है तो कल तो पहुंचना तो पहुँचे बाद है नहीं। तो चलिए ठीक है तो अभी क्या है कि अभी हम लोग अपना रंबा घाटी यहाँ से उतरना है, समुंदर हवा चलेगा वहाँ पर मस्त मस्त क्योंकि रंबा घाटी में जंगल पड़ता है, इसलिए अभी मॉर्निंग का वक्त होगा तो आपको हम दिखाएंगे। मेरा आगे का वीडियो में बहुत सारे रंबा घाटी का वीडियो बना हुआ है वहाँ, उस वीडियो में दूसरा वीडियो में जा करके आप लोग देख सकते हैं। इसलिए ठीक है तो अब यहाँ से अपना सफर ऊपर काटते हैं और आगे का अपडेट आपको हम देते हैं। अभी बज रहा है रात का 2, चलिए ठीक है अब बढ़ते हैं अपना। चलिए तो दोस्तों तो देखिए तो हम लोग सोचे कि अपना अभी रात का समय है आराम आराम से बढ़ेंगे, तो ये देखिए आगे में यहाँ पर ब्रेकडाउन वेकडाउन हो गया है गाड़ी एकदम, मतलब आगे गाड़ी ब्रेकडाउन है। तो हम लोग तो सोचे कि यहाँ पे रात का वक्त आराम से बढ़ा जाएगा क्योंकि हम लोग लगे कि एकदम छोटा गाड़ी के लिए दिक्कत हो जाता है दिन का वक्त, और देखिए तब यहाँ पर भी अपना बड़ा बड़ा गाड़ी सब ब्रेकडाउन है देखिए। और ये सब बस में दोस्तों हम बता देना चाह रहे हैं कि एक दिक्कत है, हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर कोई जैसे कोई बैठते हैं ना रात ये जैसे जाते हैं ना तो देखते हैं ऊपर वाला छत जो होता है, छत से जो डबल स्लीपर वाला होता है बस उस पर बच्चा लोगों को कभी भी ध्यान देखिए क्योंकि लोग खिड़की खोल के झांकते हैं। और तो अभी क्या हुआ ना कि ना अभी हम देखे ना ऊपर में बच्चा हुआ है खिड़की खोल के झांक रहा था वाले बाहर निकल के, माना कि नीचे छोटा गाड़ी से बचाव है लेकिन बाहर में तो पोल है ऊल है बहुत कुछ है ना पेड़ पौधा, उससे भी कहीं बच्चा लोगों को चोट लग सकता है, तो इसलिए इस बात का पूरा से ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। चलिए ठीक है अब जाम हट जाता फिर बढ़ा जाएगा आगे अपना।
अभी मॉर्निंग का वक्त हो रहा है और अभी हम अपना यहाँ पे अपना रुके हुए थोड़ा ब्रेक लिए क्योंकि टायर वायर चेक करना है। तो चलिए टायर वायर अपना जो देखना है देख लेते हैं, हुक हुक निकाल के। तो मेरा हुक ये रहा, यहाँ पे हुक रहा है। तो चलिए फटाफट से ऐसे ऐसे मार मार के सारा टायर का हवा हुआ देख लेते हैं और देख लेते कहीं पे खिल्ला उल्ला है कि नहीं है। तो चलिए ये सब तो हम लोग का होता रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे। और ये आवाज़ सुनिए, इस आवाज़ देना चाहिए टायर में, तभी सब ठीक रहता। तो चलिए आइए, सबके ब्लॉग अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों तो अब ये ब्लॉग को एंड करने का समय आ गया है, उससे पहले मैं बात बोलना चाहते हैं, आर राजेश ब्लॉग जी है, सोचिए वो जाने वाले थे मुंबई, मतलब कि मुंबई जाने वाले थे सेलिब्रिटी से मिले, पर आर राजेश ब्लॉग जी का ये मुंबई का ट्रिप जाना कैंसिल हो गया क्योंकि उनका वो माल कैंसिल हो गया था। तो चलिए कोई नहीं, होता है ऐसा, फिर भी कितना खुशी की बात है कि एक ट्रक ड्राइवर को मिलने के लिए अब सेलिब्रिटी लोग भी लाइन लगाएंगे। एक समय तो था कि ट्रक ड्राइवर कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था, अब देखिए ट्रक ड्राइवर लोगों का रिस्पेक्ट कितना बढ़ चुका है, उन से मिलने के लिए सब आ रहे हैं मुंबई से, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग। चलिए हमको ये बहुत खुशी लगा और एक ना एक दिन हम लोग से भी जरूर मिलेंगे क्योंकि हम भी एक ब्लॉगर है और एक ट्रक ड्राइवर बनना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सबका ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जरूर से जरूर कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और तो हम अपना 4 बजे चेक करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं।